आप में से कभी किसी ने ये सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ मॉनसून सीजन में ही हेयर फॉल क्यों होता है और किसी सीजन में इतना सिवियर हेयर फॉल क्यों नहीं होता? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा, और जिनको नहीं पता है उन्हें तो आज के इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। साथ के साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से हम मॉनसून हेयर फॉल को घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दे, और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. Ab monsoon season aa gaya hai and I believe monsoon season equals to hair fall season. Reason is ki itni zyada humidity hoti hai air mein, bahut sari barish ho rahi hoti hai aur jaisa ki aap sabhi ko pata hai ki summer season just gaya hai एंड पूरे समर सीजन में बारिश ना के बराबर होती है। एंड एकदम से जब 2 महीने बाद मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है, बारिश आती है, तो यूनिवर्स पूरा जो हमारा अर्थ है वो अपने आप को क्लीन कर रहा होता है। और गर्मियों के टाइम पे जितनी भी धूल मिट्टी हमारे पत्तों पे होती है, हमारा सारा जो एटमोसफेयर है ना वो अपने आप को हील करता है, क्लीन करता है। इसलिए जब भी मॉनसून सीजन में बारिश होती है और जो हमारी एयर होती है ना वो कंपैरेटिवली अदर किसी सीजन की बारिश के ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। तो जब वो रेन हमारे बालों पे गिरती है या स्कैल्प पे गिरती है, उससे क्या होता है, हमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा डर बना रहता है, जिससे हमें पहले डैंड्रफ होता है और उसके बाद हमारे जो हेयर रूट्स हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फंगस जैसा या कुछ ना कुछ बैक्टीरिया जैसा कोई ना कोई इन्फेक्शन तो डेफिनेटली होता है, तभी हेयर फॉल होता है। अदरवाइज हेयर फॉल होने का कोई रीजन नहीं है अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी है तो। सेकेंड चीज, जो ह्यूमिडिटी है, एयर है, वो भी पॉल्यूटेड होती है, उसमें बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया होते हैं जो हम नेकेड आईज से नहीं देख पाते, तो उस वजह से भी हमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। आप कभी भी नोटिस करना कि हमें मॉनसून सीजन में ना बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी आई इन्फेक्शन, कभी पिंपल्स आ जाएंगे, कभी कहीं पे रैश आ जाएगा, कभी मतलब कुछ ना कुछ, मतलब बहुत एक एलर्जी जो है ना वो बहुत इजीली हो जाती है मॉनसून सीजन में। उसका एक ही रीजन है कि एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप बाहर जाओ या यू नो कहीं भी थोड़ा सा भी घर से बाहर निकलते हैं, तो आप अपने स्कैल्प को या तो स्कार्फ से कवर कर लीजिए या फिर अम्ब्रेला भी लेकर जाएंगे अगर बारिश हो रही है तो, बारिश में डायरेक्टली एकदम से ना भीगे। अब देखिए, आई नो कि समर सीजन गया है, उसके बाद बरसात की बारिश में ना भीगे तो ये फेयर नहीं है, ठीक है, आप एक दो बार भीगे, लेकिन जैसे ही बारिश में भीगे उसके एकदम इमीडिएटली आप अपना हेयर वॉश करिए, कोई भी माइल्ड सा शैम्पू या सोप लेकर। तो ये बस इतना सिंपल सा है कि मॉनसून में हेयर फॉल के क्या कारण है, और मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी डाली है मॉनसून हेयर फॉल के बारे में, तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। बट मेजर जो रीजन है ना मॉनसून में हेयरफॉल का, वो ह्यूमिडिटी, एयर और रेन ही है। तो आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, अभी बात करते हैं कि हमें इसे घर बैठे सॉल्व कैसे करना है। तो आज मैं आपके साथ एक हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ जो आप घर पे बनाएंगे अपने लिए एंड अपने बालों को कवर करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, जिससे आपके बालों में वो ह्यूमिडिटी नहीं आएगी, और ह्यूमिडिटी नहीं आएगी तो आपका स्ट्रैंड सेफ रहेगा, आपके बाल हेल्दी रहेंगे और आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस रेमेडी का हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है सनफ्लावर। सनफ्लावर अपने आप में ही इतना पोटेंट है ना कि अगर आप डेली इसके सीड्स का सिर्फ 1 स्पून भी अपने डाइट में ऐड करते हैं तो आपका हेयर फॉल वैसे ही आधा कम हो जाएगा उसी पॉइंट पे। तो आपने क्या करना है, इसी सनफ्लावर के सीड्स लेने हैं। आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और अगर आपके आसपास कहीं पे सनफ्लावर लगा है जिसका सीड पॉड ऑलरेडी बन चुका है तो वहां से एक फूल चोरी करके ले आएंगे तो आपका ऑलमोस्ट 1 महीने का जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि लिटरली इसके एक फूल में 200 से 300 सीड्स निकल जाते हैं बड़े आराम से। उसके बाद आपने क्या करना है, सीड्स जब निकाल लिए या आपने मार्केट से ले लिए, उसे कर देना है आपने अच्छे से ग्राइंड, एंड ग्राइंड करने के बाद आपने लेना है एक लोहे का बर्तन या कोई भी वेसल जो भी आपके पास अवेलेबल है, एंड उसमें आपने लेना है
एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब मैं यहाँ पर इसे कोकोनट ऑयल में इसका इन्फ्यूज़न कर रही हूँ। रीज़न इज़ कि कई लोग बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं सनफ्लावर ऑयल को लेकर, वो डायरेक्टली अपने बालों में सनफ्लावर ऑयल नहीं लगा सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट वे है। बट जिन लोगों को लाइक इस तरह से नहीं बना सकते, तो वो मार्केट बेस्ड सनफ्लावर ऑयल ले आइए, नॉर्मल कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें 2 चम्मच डालिए सनफ्लावर ऑयल एंड उसको मिक्स करके अपने बालों में लगा लीजिए। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए उसके बाद आपने ग्राइंड किए हुए सीड्स इसमें डाल देने हैं। आपको इस तरह नहीं बनाना है, आप क्या करिए, नॉर्मल कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें सनफ्लावर सीड्स डालिए, जब भी धूप निकले 5 से 6 दिन तक इसे धूप में रखिए, इसका सारा इन्फ्यूज़न उस ऑयल में हो जाएगा। सनफ्लावर ऑयल ना रिच होता है विटामिन ए एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड ये बेसिक होते हैं हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। जो जब भी हमें सप्लीमेंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तो हमें विटामिन ई और ओमेगा 6 ही लेने के लिए कहा जाता है। अब देखिए, क्योंकि मॉनसून सीजन में फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो आप जब आपका ऑयल थोड़ा कंप्लीट रेडी हो जाए ना 5 मिनट में, तो आप इसमें थोड़े से रोजमेरी लीव्स भी ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास रोजमेरी लीव्स नहीं है तो आप उसकी जगह यहाँ पर गार्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों पोटेंट होते हैं आपकी ग्रोथ को और ज़्यादा स्टिमुलेट करने में, प्लस आपके बालों में किसी भी तरह का ये फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देते। अब जो सनफ्लावर है ना, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर आपके बालों में, क्योंकि देखिए एलर्जी का मौसम है मॉनसून सीजन, तो किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन या कुछ भी हो रहा है ना आपके बालों में, तो ये हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है, आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, आपके अगर स्प्लिट एंड्स हो गए हैं उन्हें क्योर करेगा। नाउ यू कैन सी कैसा डार्क सन है, ऐसे ब्लैक कलर का ऑयल निकल के आएगा। एंड जिनको ग्रे बालों की प्रॉब्लम है, लाइक अर्ली एज में जिनको बाल जिनके थोड़े वाइट हो गए हैं, उनके बालों को वापस से ब्लैक करने में ये हेल्प कर सकता है। एंड आपके बालों में जैसे अब मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा फ्रिज होता है, कर्ली बाल जिनके होते हैं ना, उनके लिए तो सनफ्लावर ऑयल इज़ बेस्ट, क्योंकि कर्ली हेयर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट ये अपने आपके बालों को इतना स्मूथ कर देगा। अगर आपने कभी आर्गन ऑयल का यूज़ किया है ना, देन यू कैन कंपेयर दिस ऑयल विद आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल इज़ सुपर एक्सपेंसिव, बट सनफ्लावर ऑयल उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट ट्रस्ट मी उसकी खुशबू को छोड़कर बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इक्वल है, बिल्कुल सेम है। मतलब जिस तरह से आर्गन ऑयल आपके बालों को स्मूथ करता है, फ्रिज कम करता है, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ है इसमें, आपके स्प्लिट एंड्स को क्योर करेगा एंड आपके बालों को उलझने नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, अब इसका जो एप्लीकेशन है वो आपने अपने पूरे बालों में स्ट्रैंड्स तक में करना है। मोस्टली मैं क्या कहती हूँ कि हेयर ऑयलिंग आपने सिर्फ अपने स्कैल्प में करनी है, बट आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप पूरी स्कैल्प में अच्छी सी चंपी करेंगे, उसके बाद बालों में मसाजर या फिंगर टिप्स की हेल्प से आप मसाज करेंगे एंड उसके बाद इसको 1 घंटा बालों में छोड़ दीजिए एंड किसी माइल्ड से शैम्पू के साथ अपना बाल आप धो लीजिए। जब आप बाल धोएंगे उसके बाद आप क्या करिए, एक जग में पानी ले लीजिए, उसमें या तो जैसे ग्रीन टी आप बना के एक जग ले लीजिए, या फिर अगर ग्रीन टी नहीं लेना है तो हाफ लेमन ले लीजिए, वो स्क्वीज कर लीजिए एंड जब बाल धुल जाए उसके बाद जैसे आफ्टर वॉश आप हेयर रिंस यूज़ करते हैं ना या कंडीशनर यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ करिए। उससे क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके बालों में बन जाएगी, जिससे आपके बाल बाहर की ह्यूमिडिटी से फाइट कर पाएंगे। एंड अगर आपको हेयर रिंस का यूज़ नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑयल अपने आप में बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। बट हाँ, अगर आपको डबल श्योर होना है तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। जिन लोगों को इस तरह से इस हेयर ऑयल का प्रिपरेशन अपने लिए नहीं करना है, वो मार्केट बेस्ड सनफ्लावर ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके भी अपने बालों में लगा सकते हैं। बट द थिंग इज कि कुछ लोग ना सनफ्लावर को लेकर एलर्जिक होते हैं, तो मेक श्योर कि आप जब भी इस ऑयल का यूज करें तो आप एक पैच टेस्ट जरूर ले लीजिए, अपने यहाँ पे लगा लीजिए या फिर नेक के बैक साइड पे लगा लीजिए, 5 से 10 मिनट तक रहने दीजिए। अगर आपको कोई इचिंग या कुछ भी रैश नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स इट इज सेफ फॉर यू। तो इसका पैच टेस्ट जरूर ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सनफ्लावर से एलर्जी होती है, बट ट्रस्ट मी आपके बालों को ना ये विटामिन ई से ऐसा भर देगा ना, आपके बालों में एक वो स्ट्रैंड को ऐसे कवर कर देगा, एक प्रोटेक्शन लेयर डाल देगा, जिससे आपके बाल बिल्कुल ना गिरेंगे, ना ड्राई होंगे, और वो जो ऐसे एंटेना खड़े हो जाते हैं ना मॉनसून सीजन में, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय-बाय।